गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी को पता ही है, उसी प्रोसेस से जिस तरह से आप बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से बना लीजिए अपना अटेंडेंस। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप अपनी मैथमेटिक्स की बुक एंड नोटबुक दोनों ओपन कीजिएगा। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से ये बात रिपीट करा दूं, जो बात आपको रोज़ समझाई जाती है, बताई जाती है, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं, ठीक है ना, हर हाल में ख़रीदवा लें। और दूसरी बात, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान दीजिए, इन बातों को ध्यान में रखिए, और इन दोनों बातों को आप सभी बच्चे फॉलो करेंगे। एक तो सभी बच्चों के पास बुक्स होनी हर हाल में ज़रूरी है, और दूसरी बात, सभी बच्चे अपने क्लास में हर हाल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे अपनी बुक परचेस भी करवा लेंगे, ठीक है ना, अगर नहीं है बुक तो। और जिन बच्चों के पास बुक्स है उनके लिए ये बात नहीं है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स होगी और वो प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं क्लास में, तो आप क्लास में प्रेजेंट रहें। और अब आप अपनी मैथमेटिक्स की नोटबुक ओपन कीजिएगा, ठीक है, और बुक भी ओपन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका एक्सरसाइज 8.5 हो रहा था, ठीक है, उसमें आपका जो 8.5 था वो वर्ड प्रॉब्लम्स था। तो चलिए पहले मैं उसे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है, और आप सभी बच्चे अपनी बुक से और नोटबुक से आंसर मैच करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो बुक में था, दो क्वेश्चन आपको बुक में बनानी थी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद आंसर बताती हूँ, ठीक है ना। अमित एंड हिज फ्रेंड वेंट फॉर अ मूवी। अमित और उसके दोस्त, ठीक है ना, दोनों कहाँ जाते हैं, मूवी देखने, फिल्म देखने जाते हैं। दे स्पेंड रुपीज, पहले कॉलम बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन जो होगा वो लिखूंगी मैं। अमित एंड हिज फ्रेंड वेंट फॉर अ मूवी। अमित और उसके दोस्त उसके साथ कहाँ जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं। दे स्पेंड रुपीज 225.75, और क्या बोलते हैं, वो दोनों मिलकर कितने पैसे खर्च करते हैं, तो 225.75 खर्च होते हैं ऑन द मूवी। मतलब जब फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखने के लिए पहले हमें टिकट लेना पड़ता है ना, तो उसमें उनका जो पैसा खर्च होता है टिकट में, तो 225.75 उसका खर्च होता है। उसके बाद है रुपीज़ 182.50 ऑन पॉपकॉर्न्स, और पॉपकॉर्न्स जिसको हम लोग मकई का लावा बोलते हैं ना, तो उसको ख़रीदने के लिए अमित और उसका फ्रेंड जो है वो कितने पैसे खर्च करता है, तो 182.50। तो अब पूछ रहा है हाउ मच मनी दे स्पेंड इन ऑल, तो दोनों का कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसके बारे में आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है 225.75। उसके बाद पॉपकॉर्न का आपको प्राइस लिखना है कि पॉपकॉर्न कितने का हुआ, तो 182.50 का पॉपकॉर्न हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो आपको टोटल मनी पूछ रहा है कि अब दोनों का कितना रुपया खर्च हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो प्लस करना होगा, मतलब ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पूछ रहा है।
ये नहीं पूछा है कि कितना बचा, लेफ्ट यहाँ पे नहीं पूछा है, पूछ रहा है ऑल, मतलब ऑल हाउ मच मनी दे स्पेंड इन ऑल, दोनों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पे ऑल का मतलब हो गया आपको कि यहाँ पे ऐड करना है। हाँ लेफ्ट होता ठीक है ना, तो आपको क्या करना होता, वहाँ पे माइनस करना होता, सब्ट्रैक्ट करना होता, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब ऐड करना है। तो अब चलिए ऐड करते हैं, 5 + 0, 5 में आप 0 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर 5 ही रह जाएगा। 7 + 5, 7 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 12। तो 12 पे यहाँ पे 2 लिखाएगा एंड 1 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 + 2, 5 में 2 ऐड करना है, तो 5 में 2 ऐड कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 में कैरी वाला 1 ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 8, 2 में 8 को ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल कितना आएगा, तो 10 आएगा, तो 10 का यहाँ पे 0 लिखाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 + 1, 2 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 3, 3 में कैरी वाला 1 ऐड कीजिएगा तो 4, तो टोटल कितने रुपीज़ खर्च हुए, तो टोटल रुपीज़ खर्च हुए 408 रुपीज़ एंड 25 पैसे दोनों के खर्च हुए, अमित और उसके फ्रेंड के, मतलब उन दोनों ने मूवी देखने का प्लान किया, उसके बाद मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न खाया, तो टोटल उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, तो 408 रुपीज़ एंड 25 पैसे उन दोनों के खर्च हुए, ठीक है। तो ये वाला आप आंसर मैच कर लीजिएगा, तो ये 1 नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का था। उसके बाद है आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 में है, सोहन हैज़ ₹815, सोहन के पास कितने रुपए थे, तो 815 रुपए थे, ठीक है। पहले मैं कॉलम बना देती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। सोहन के पास कितने रुपए थे, तो 815 रुपीज़ हाँ, और 0 पैसे हो जाएगा। यहाँ पे पैसे के बारे में नहीं बता रहा है, तो यहाँ पे हम 0 देकर उसे क्या बोलते हैं, पैसे को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, एंड कोहू हैज़ ₹47 लेस देन सोहन, और कुहू जो थी उसके पास सोहन से 47 रुपीज़ कम थे, ठीक है ना। हाउ मच मनी डज कुहू हैव, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो कुहू के पास कितने पैसे होंगे, तो आपको क्या करना होगा, 47 रुपीज़ आपको कुहू को बता रहा है कि 815 रुपीज़ किसके पास थे, तो सोहन के पास थे, और कुहू उसकी बहन होगी, तो कुहू के पास कितने रुपए कम थे सोहन से, तो 47 रुपीज़ कम थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस करना है, तो क्या कीजिएगा, 47 यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड 0 पैसे, क्योंकि इसमें भी आपको 0 पैसे के बारे में नहीं है, तो 0 ही होगा, ओके। अब हम चलते हैं माइनस करेंगे, तो 0 - 0 = 0 ही होगा, उसके बाद फिर 0 - 0 = 0, ओके। अब क्या करना है, 5 - 7 करना है, 5 में से आपको 7 माइनस करना है, तो क्या होगा, ये 1 बोरो देगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओके। अब 15 माइनस हम 7 कर सकते हैं, तो 15 में से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इधर आपको 7 माइनस कर देना है 15 में से, तो 3 एंड उधर आपको कितना आ जाएगा, 5, तो 3 and 5 8 होता है, तो 8 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 होगा, और ये 0 हो गया क्योंकि इसमें से 1 निकल चुका है, तो 0 हो जाएगा, तो 0 में से हम 4 माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, 8 से बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके। और ये जो 8 है इसमें से 1 निकल चुका है, तो ये 7 हो जाएगा। अब हम 10 में से 4 माइनस कर सकते हैं, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, एंड 7 तो नीचे में कोई नंबर नहीं है दूसरा कि हम 7 में से उसको माइनस करें, तो 7 ही आ जाएगा,
तो टोटल अमाउंट कितने हो गए कुहू के पास, तो 700, तो कुहू के पास कितने थे, तो 768 रुपीस टोटल कुहू के पास थे। मतलब अगर उसमें से 815 में से अगर हम 47 रुपीस निकाल देते हैं तो कुहू का आंसर आ जाएगा कि कुहू के पास कितने रुपीस थे, तो 768 रुपीस कुहू के पास थे। मतलब सोहन से 47 रुपीस कम थे कुहू के पास। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपको किसमें बनाना था, बुक में बनाना था। तो चलिए मैं उसे भी सॉल्व करती हूँ, ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, मेधा हैड 40 विथ हर रुपीज 40, शी बाउट एग्स फॉर रुपीज 32। मेधा के पास कितने रुपए थे, तो 40 रुपीज थे, ठीक है ना। मेधा के पास टोटल कितने रुपए थे, तो 40 रुपीज थे। और उसने क्या किया कि 32 रुपीज एंड 50 पैसे का उसने एग्स खरीदे, मतलब अंडे खरीदे, ठीक है ना। 32 रुपीस एंड 50 पैसे के उसने एग्स खरीदे, ठीक है ना, अंडे खरीदे। तो यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर नाउ, तो उसके पास अब कितने रुपए बच गए, कितने पैसे उसके पास बच गए। 40 रुपीस थे, तो जिसमें से उसने 32 रुपीस एंड 50 पैसे के एग्स खरीदे, ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसके पास अब कितने बच गए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो माइनस करना है। 40 रुपीस में से 32 रुपीस एंड 50 पैसे माइनस करने होंगे, तो क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। हम किधर से स्टार्ट करेंगे, तो पैसे की तरफ से। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 होगा, 0 माइनस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, बोरो लेगा, ठीक है। तो बोरो कैसे लेगा, तो यहाँ पे भी ज़ीरो है, तो अब क्या करेगा, ये ज़ीरो पहले इससे बोरो लेगा, 4 से, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके, 10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा। अब ये 10 अब इसको बोरो देगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, और इसमें से 1 निकल चुका है, तो ये अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 माइनस 5, 10 में से आप 5 माइनस कीजिएगा, तो कितना बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 2 हम करेंगे, तो 9 में से 2 माइनस कीजिएगा, तो आपके पास कितने रुपए बच जाएंगे, कितने रुपए आपके पास बच जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 7, और 3 माइनस 3 होगा ही नहीं, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ज़ीरो होगा, तो छोड़ देंगे उसको, ब्लैंक्स छोड़ देंगे। तो कितने रुपए टोटल बच गए, तो 7 रुपीस एंड 50 पैसे बच जाते हैं, ठीक है ना। 40 रुपीस में से 32 रुपीस एंड 50 पैसे अगर माइनस कीजिएगा, तो टोटल कितने रुपीस बच जाएंगे, तो 7 रुपीस एंड 50 पैसे मेधा के पास रह जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको, रजत स्पेंड 200, पहले मैं कॉलम बना लूं, रजत स्पेंड 253 ऑन स्कूल बैग। रजत ने स्कूल बैग जो ख़रीदा, तो उसको कितने रुपए लगे ख़रीदने में, तो 253 रुपीस रजत के खर्च हुए स्कूल बैग में, ठीक है ना। उसके बाद है रुपीस 43 एंड 50 पैसे ऑन टाई, और टाई को ख़रीदने में उसको कितने रुपए लगे, तो 43 रुपीस एंड 50 पैसे उसको टाई के लिए लगे, एंड 116 रुपीस एंड 25 पैसे ऑन वाटर बॉटल,
और उसको 116 रुपीस एंड 25 पैसे जो लगे उसको वाटर बॉटल को ख़रीदने में लगे। तो ये स्कूल बैग का अमाउंट है, ये टाई का अमाउंट बता दिया है और ये वाटर बॉटल का अमाउंट बता दिया है। अब क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड ही पे ऑल टुगेदर, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए पेड किए, दुकान मतलब जो शॉपकीपर है उसको कितने रुपए दिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ऑल टुगेदर पूछ रहा है मतलब टोटल पैसे उसके कितने खर्च हुए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे आपको प्लस करना होगा, ओके मतलब ऐड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऐड करना, और ऐड किधर से करेंगे, तो हम पैसे की तरफ से करेंगे। अब क्या है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा एंड उसमें फाइव ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, तो फाइव ही रह जाएगा। ज़ीरो में हम फाइव ऐड करेंगे तो फाइव ही रहेगा। अब है ज़ीरो प्लस फाइव तो फाइव, मतलब ज़ीरो में हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो जो नंबर होता है वो इट सेल्फ मतलब वही नंबर रह जाता है। जैसे कि हम फाइव को फाइव में ज़ीरो ऐड करेंगे तो फाइव ही रह जाएगा, है ना। अब क्या करना है, फाइव में टू को ऐड करना है, तो फाइव में टू ऐड कीजिएगा तो आपको कितना टोटल होगा, तो सेवन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। अब क्या करेंगे, थ्री प्लस थ्री, थ्री में थ्री ऐड कीजिएगा तो सिक्स होगा, और सिक्स में सिक्स ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा, तो ट्वेल्व का यहाँ पे टू हो जाएगा, वन यहाँ कैरी हो जाएगा। फाइव प्लस फोर, फाइव में आप फोर ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना होगा, नाइन होगा, नाइन में वन ऐड कीजिएगा तो टेन होगा, और टेन में कैरी वाला वन ऐड कीजिएगा तो एलेवन हो जाएगा, तो एलेवन का यहाँ पे वन ही लिखाएगा और वन फिर से कैरी हो जाएगा। उसके बाद टू, तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है तो टू प्लस वन हो जाएगा, टू में आप वन ऐड कीजिएगा तो थ्री, एंड थ्री में कैरी वाला वन ऐड करेंगे तो फोर हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए रजत के, तो 412 रुपीस एंड 75 पैसे, है ना, 412 रुपीस एंड 75 पैसे रजत के खर्च हुए स्कूल बैग टाई एंड वाटर बॉटल लेने में, ठीक है। अब है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। सविता स्पेंड रुपीस एंड पैसे, ठीक है, सविता स्पेंड 86 रुपीस एंड 75 पैसे, 86 रुपीस एंड 75 पैसे सविता ने खर्च किए किसके लिए, तो बाय वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों को खरीदने के लिए। एंड मोनिका स्पेंड 115 ऑन वेजिटेबल्स, और सॉरी यहाँ पे पहले देख लीजिए, तो मोनिका ने ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं, तो पहले हम मोनिका का लिखेंगे, 115 रुपीस एंड 25 पैसे, पहले हम मोनिका का लिखेंगे, उसके बाद सविता ने कितने खर्च किए, तो 86 रुपीस एंड 75 पैसे, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड मोनिका स्पेंड देन सविता, तो मोनिका ने कितने रुपए मतलब सविता से कितने ज़्यादा रुपए खर्च किए, तो क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। तो क्या कीजिएगा, तो पहले हम जो जो लार्जेस्ट अमाउंट होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद स्मॉलेस्ट अमाउंट को लिखते हैं, छोटे नंबर को लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम मोनिका का लिखे कि मोनिका ने 115 रुपए एंड और 25 पैसे खर्च किए सब्जियों के लिए, और सविता ने कितने रुपए खर्च किए, तो 86 रुपए और 75 पैसे खर्च किए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोनिका का कितना रुपए खर्च हुआ सविता से, ठीक है ना, सविता से कितना ज़्यादा मोनिका का खर्च हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो आप किधर से कीजिएगा स्टार्ट, तो पैसे की तरफ से, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 माइनस 7, 2 में से 7 माइनस होगा, नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, 5 से बोरो लेगा, ठीक है ना, तो ये 12 हो जाएगा, ओके। अब 12 माइनस 7 करना है, ठीक है ना, 12 में से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट देना है, 4 माइनस 6 होगा, नहीं होगा, तो
तो ये क्या करेगा, वन से बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे, तो 14 में से 6 माइनस कीजिएगा तो टोटल कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। अब 0 माइनस 8 होगा, नहीं होगा, तो ये 1 से बोरो लेगा तो ये 10 हो जाएगा। ओके, 10 माइनस हम 8 करेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, और ये 1 है तो 0 है, मतलब यहाँ पे नथिंग हो जाएगा। तो टोटल कितने रुपए मोनिका ने कितने रुपए खर्च किए, मतलब सविता से, सविता का कम था, मोनिका का ज़्यादा था, तो मोनिका का कितना रुपए खर्च हुआ, तो 28 रुपए सविता से ज़्यादा खर्च हुआ मोनिका का, ठीक है ना। तो कितने ज़्यादा पैसे हो गए, मोनिका के 28 रुपीज़ ज़्यादा थे सविता से, ठीक है ना, 28 रुपीज़ एंड 50 पैसे ज़्यादा थे सविता से। ओके, तो इस तरह से आपका प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो चुका है कंप्लीट। आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच कर लेंगे कि आपने आंसर क्या लिखा था। उसके बाद है वर्कशीट, बुक वाले बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, ठीक है, तो बुक में ही आप लोगों को आज का होमवर्क बनाना है, और ये होमवर्क मतलब नोटबुक में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उनका अमाउंट बता दिया गया है, और नीचे में कुछ वर्ड में लिखा गया है, तो पिक्चर्स देख के आपको उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्कशीट है पेज नंबर 121, आप लोग देखिएगा, यहाँ पे है द प्राइस टैग आर अटैच्ड विद डिफरेंट आइटम्स। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग सामान हैं, उनके साथ उनका प्राइस टैग यानी कि लगा हुआ है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, तो यहाँ पे क्या करना है, सभी आइटम्स का आपको प्राइस खोजना है, मतलब उनका दाम खोजना है कि कौन सा सामान कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपको, और नीचे में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि है एक फ्रूटी पैक एंड बुक, अ बुक कॉस्ट, ठीक है ना, फ्रूटी पैक और बुक का, तो आपको दोनों को ऐड करके लिखना होगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है कि फ्रूटी का बॉटल ले जब हम लेंगे और एक बुक लेंगे तो टोटल हमारा पैसा कितना खर्च होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना होगा, जैसे कि फ्रूटी का यहाँ पे दाम है 10 रुपीज़ और बुक का कितना है, तो 52 रुपीज़, तो दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद उसके सामने लिख देना है। उसके बाद है एप्पल एंड अ कोल्ड ड्रिंक कैन कॉस्ट, एक एप्पल और एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का कितना कॉस्ट होगा, ठीक है ना, उसको दोनों को जोड़ के आपको लिख देना है। तो एप्पल का है 5 रुपीज़ एंड कोल्ड ड्रिंक का है आपको 25 रुपीज़, तो दोनों का कॉस्ट आपको जोड़ देना है। उसके बाद उसके सामने लिख देना है अ बुक एंड अ टॉयज कॉस्ट, एक बुक का और एक टॉय का, खिलौने का, तो एक खिलौना जो है वो एलिफेंट है, टॉय एलिफेंट है, और बुक का, तो बुक का 52 रुपीज़ है एंड आपको टॉय जो है वो 100 रुपीज़ का है, तो दोनों को ऐड करके आप उसके सामने लिख दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ 5 टॉफीज एंड अ चॉकलेट, ठीक है ना। आज जैसे कि यहाँ पे टॉफ़ी का दाम बताया गया है, ये जो टॉफ़ी है ये, ठीक है ना, ये टॉफ़ी है और ये चॉकलेट है, ठीक है ना, ये चॉकलेट है, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ है, एक टॉफ़ी का दाम जो है वो 2 रुपीज़ है, तो आपको 5 टॉफ़ी का दाम निकालना है, तो 2 रुपीज़ एक का है, तो हम अगर 5 टॉफ़ी लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद चॉकलेट का कितना है, तो 25 रुपीज़, तो 10 को 25 को ऐड कर दीजिएगा और टोटल अमाउंट आप उसके सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद है 1 पेन एंड 2 ग्लू बॉटल कॉस्ट, 1 पेन, तो एक पेन का दाम आपको 12 रुपये है, और 2 ग्लू, मतलब एक ग्लू का बता दिया गया है, यानी कि गम का जो बॉटल होता है, गोंद का जो बॉटल होता है उसके बारे में, तो 40 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 2 आपको करना है, तो 2 का क्या हो जाएगा कॉस्ट, एक का तो 40 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 2 का कॉस्ट बताना है, तो 80 रुपीज़ हो जाएगा, 80 रुपीज़ में आप 12 रुपीज़ ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद है 1 चिप्स पैक एंड कोल्ड ड्रिंक कॉस्ट,
ठीक है ना। एक चिप्स का पैकेट का जो दाम है वो 15 रुपये है, 15 रुपीज़ है, एंड कोल्ड ड्रिंक का कितना है तो 25, तो 15 एंड 25 को ऐड कर दीजिएगा और सामने उसका कॉस्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद है 5 इरेजर एंड 5 फ्रूटी पैकेट पैक्स कॉस्ट। एक इरेजर का दाम 2 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 5 इरेजर का प्राइस पूछ रहा है, तो 5 इरेजर का कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। हम 2 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 5 फ्रूटी, तो फ्रूटी का कितना हो जाएगा, तो फ्रूटी का आपको 10 रुपीज़ है, तो 5 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। एक का 10 है तो 5 अगर ख़रीदेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 50 रुपीज़। तो 10 एंड 50, तो 10 में 50 को ऐड कर दीजिएगा और टोटल वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टोटल सिर्फ लिखना है, ऐड आप अपने नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है ना। सबका कॉस्ट लिख लिख के उसको ऐड कर दीजिएगा, जो जो चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है उन्हीं सब चीज़ों का, उन्हीं सब आइटम्स का प्राइस आपको ऐड करके यहाँ पे सिर्फ लिख देना है। उसके बाद है हाउ मच लेस देन द ग्लू देन ट्वाइस। अब और यहाँ लास्ट में जो पूछ रहा है कि हाउ मच लेस फॉर द ग्लू देन ट्वाइस। ट्वाइस का जो प्राइस है 100 रुपीज़ है और ग्लू का कितना है तो 40 रुपीज़ है। तो ट्वाइस से ग्लू का दाम कितना कम है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, 100 में से 40 माइनस कर दीजिएगा और जो आंसर आएगा आपको लिख देना है कि उतने रुपीज़ कम है ट्वाइस के, सॉरी ग्लू के, ठीक है। अब है आपका उसके बाद है यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट पेज है 122, तो वो आपका क्या है लैब है, ठीक है ना, लैब में करवाने का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन पैसों को ऐड करना है, ठीक है ना। उसके बाद थिंग्स दैट यू कैन बाय, और उसके बाद आपको अपना सामान लिखना है कि यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसमें आप क्या क्या ख़रीदेंगे, ठीक है ना। तो ये काम आप कर लीजिएगा, इन पैसे को ऐड कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आप उन पैसों में क्या क्या चीज़ ख़रीद सकते हैं उसका आप नेम लिख दीजिएगा, ओके। तो ये काम आप लोगों को करना है और ये सिर्फ और सिर्फ बुक वाले बच्चे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पेज नंबर 121 एंड 122 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप है वी मस्ट कीप सीटेड इन द बस, मतलब ये सेफ्टी रूल्स है और ये क्या बोलते हैं आपको, गुड मैनर और गुड हैबिट में भी आता है, ठीक है। तो जब हम बस में बैठते हैं तो हमें, मतलब जब चढ़ते हैं और जब बस चलने लगती है तो हमें अपने जगह पे बैठ जाना चाहिए, सीट पे बैठ जाना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो इसीलिए जब भी आप बस पे चढ़े तो अपने जगह पे बैठ जाया करें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय।